मोदी हाइट्स का नक्शा एक्सपायर, अब नगर निगम ने रुकवाया काम। 2012 में पास हुआ था नक्शा, 2017 से 18 में हुआ एक्सपायर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के आने से कई महकमे रेस हो गए हैं। रांची नगर निगम की तरफ से लालपुर के पास बन रहे सबसे महंगे फ्लैट मोदी हाइट्स के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मोदी हाइट्स का टाउन प्लानर 2 मनोज कुमार ने निरीक्षण किया, मौके पर कई कागजात मोदी हाइट्स के प्रमोटर प्रस्तुत नहीं कर पाए। निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां भी पाई गई। इसमें पाया गया कि मोदी हाइट्स के G+25 और G+15 के दो बहुमंजिली इमारतों का नक्शा 2 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया। इसका नक्शा तत्कालीन टाउन प्लानर घनश्याम अग्रवाल के द्वारा पास कराया गया था। शुरू से ही इसमें विवाद चल रहा है। आज तक प्रमोटरों ने प्लिंथ लेवल रिपोर्ट, डेविएशन रिपोर्ट, JE की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इसके अलावा पर्यावरण क्लियरेंस और अन्य के दस्तावेज भी नहीं दिए गए हैं। 48 घंटे में नगर निवेशक ने मोदी हाइट्स से सारे दस्तावेज मांगे हैं। पहले भी हुई थी शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई। मोदी हाइट्स की अनियमितताएं और गड़बड़ियों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के समय शिकायत भी हुई थी। उस समय सरावगी बिल्डर्स की तरफ से मोदी हाइट्स का निर्माण कराया जा रहा था। यह राजधानी का सबसे महंगा बहुमंजिली इमारत है, जिसमें एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। इतना ही नहीं, कई सफेद पोश लोगों ने इसमें फ्लैट खरीदे हैं। विवादित है मोदी हाइट्स की जमीन। रांची नगर निगम की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मोदी हाइट्स की जमीन विवादित है। इस पर जमीन से जुड़े सभी तथ्य भी मांगे गए हैं। हाई कोर्ट में जमीन को लेकर एक याचिका भी दर्ज की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि मोदी हाइट्स की जमीन का एक हिस्सा हड़गड़ी जमीन का है। इसके अलावा एक हिस्सा स्थानीय पहन का है, जिसे कुछ मुआवजा नहीं दिया गया। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।